मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भले ही कोरोना मरीजों का ग्राफ 50 के अंदर आ रहा है, लेकिन अन्य जिलों के मिले डेल्टा न्यूट्रॉन वायरस शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें, प्रदेश के अन्य जिलों में भी डेल्टा प्लस न्यूट्रॉन वायरस की पुष्टि होने के बाद इंदौर शहर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। वैक्सीनेशन महाअभियान के साथ जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर पूरी गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है, अभी फिलहाल भले ही मरीज कम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भी मरीज सामने आ रहे हैं उन्हें बकायदा टेस्ट सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है और उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों और उनके घरों के क्षेत्र में 7 दिन को सील भी किया जा रहा है, ताकि जो भी मरीज संपर्क में आए हैं वह उस वायरस को ना फैला सके, क्योंकि खुले शहर में वायरस तेजी से फैलने की संभावना है और यह सतर्कता के साथ पूरी मुहिम कराने के लिए ही गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। देखिए, प्रिकॉशन तो ये होता है, कोई भी पॉजिटिव केस आए, ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उससे मालूम पड़ता है कि जो किसी को कोविड हुआ है तो उसमें जो वायरस है वो किस म्यूटेंट वैरायटी का है। वो पूर्व की जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी शहरों में, उसमें इंदौर में डेल्टा प्लस नहीं आया है अभी, किंतु चूंकि भोपाल में अन्य शहरों में पाया गया है डेल्टा प्लस, तो डेफिनेटली ये माना जाना चाहिए और हम लोगों को उसी प्रकार से सुरक्षा और प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि इंदौर में भी डेल्टा प्लस कहीं ना कहीं रहा होगा जो उस समय फिर उठा नहीं हो। इसलिए तीसरी लहर और डेल्टा प्लस जो वेरी म्यूटेंट है कोविड वायरस का, इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए हर पॉजिटिव केस को हम लोग अनिवार्यतः कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करने के निर्देश हैं हमारे सभी SDMs को, और हर पॉजिटिव केस के घर को कंटेनमेंट जोन बनाना है, ये भी निर्देश है, ताकि घर के लोग घर में रहें 7 दिन तक और उनकी सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, जो पॉजिटिव पेशेंट आया है कहाँ कहाँ मूव किया, कहाँ काम करता है, वहाँ के लोगों की लिस्टिंग हो, घर के लोगों की लिस्टिंग हो जिनके साथ रहता है, और पिछले 10 दिन में 14 दिन में कहाँ का मूवमेंट हुआ है उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सैम्पलिंग कराई जाए। ये प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक भी केस कोई अगर आ रहा है अभी पॉजिटिव केस कोविड का शहर में, तो उसको हम लोग ज़्यादा गंभीरता से देख रहे हैं इस समय, क्योंकि यही वक्त है कि गंभीरता रखनी चाहिए। जब कोविड कम हो जाता है तो जनरली एक प्रशासकीय तंत्र और हेल्थ की स्वास्थ्य की टीम थोड़ा लापरवाह हो जाती है, पर हम लोगों ने उसको बिल्कुल सतर्कता में रखा हुआ है। सभी SDM तहसीलदार से हमारे सतर्कता से, स्वास्थ्य टीम भी मोटिवेटेड है पूरी, और जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी कार्रवाई हर पॉजिटिव केस में हम लोग कर रहे हैं।